इतना मच्छा भी आने एक साल पांच छह साल सब याद है सही मच्छी पकड़ी है पकड़ना दम दा जड़ा है ना तरीका वो बहुत खौफनाक है। अच्छा जी वो यानी कि जो ना पानी वड़दा हो से उको ता चा चा के मरंदी हो सी हो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आजकल दा दीदार नहीं सुना देखा देहात दे शेफ ही देखने को मिलती है यानी कि सामने सारे सामने जहाज बनाना पे। अस्सलाम वालेकुम मैं मोहम्मद अदनान तो हमारा यूट्यूब चैनल अदनान सराकी व्लॉग उम्मीद करना तो सारे ठीक ठाक हो तो खैर खरीत नाल आज दा मज़ेदार तो इंटरेस्टिंग व्लॉग करना है शुरू मजीद शुरू करने तो पहले छोटी जी रिक्वेस्ट है सारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे सो सारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो तो शेयर लाजमी करे सो ब्लॉग करने शुरू जिमें कि देते उई होली दे सारा कुछ पिछली वीडियो वाले होली दे उतें ही खड़े हैं कदन होनी में घर थोड़ी देर तक रवाना थी उन्हें इतों मैं चलो ब्लॉग इतना स्टार्ट की वही इतों ब्लॉग स्टार्ट किए से हूँ थोड़ा को दिखाने बहुत ही खूबसूरत किस्म का बाग है उन बाग खेन जुलद हैं वाल है कि मैं झील जी है उनके उत्ते खेन जुलद हैं जड़ी शह है था कोई मजे मजे जाने ब्यूटीफुल सीन दिखना ये व्यूअर बैक दे नाल है जड़ा टोटली सारा बाग है बाग ही बाग है इन साइड तो सारा हुन व्यूअर जिवें कि तुसा रहंदे पाए हुन पहुंच चुके हैं बाग दे विच पिछो बूटे थक नजर आंदे पए फल तो माशाल्लाह इन साल बहुत ही जबरदस्त किस्म दा लगा पए थक नजर आना पिया सी यानी कि आला क्वालिटी दा बाग बड़ा प्यारा खूबसूरत है ये खूबसूरत जगह से वीडियो बनावन का मजा ही अपना है हूँ बाग तो थोड़ा नजारा नजूरा दिखावन के बाद हूँ थोड़ा जहाँ जुल अगर जी थोड़ा दसाई है झील के बारे यानी कि जुल के इंटरव्यू घिंदे हैं कजन को क्या सूरत हाल है किमें इतने तो बहुत पुराने पुराने वाक्य हैं वह भी थोड़ा दसे सन के बहुत ही मजाइया किस्म है वो ही थारे नाल शेयर करे सन बड़े आला क्वालिटी के मिलवे ने जोल के साथ भी यार जिमें कि सर ये पवे हूँ पहुँच गए असा कितना झील ते यानी कि जी झील के बारे दसाया ही थोको जोल के इंटरव्यू घिंदे हैं करने दुआ सलामी तो इंटरव्यू घिंदे हैं जी सूरत हाल है पूछते हैं किस किस्म की झील है तो कड़न की है तो किवें सिस्टम है तो कितनी पुरानी है सारा ही मुकम्मल मतलब कंप्लीट सब हाल हवाल विवार ए देहात दे विच ए शेफ ही देखने को मिलती है यानी कि सामने सारे सामने जहाज बनाना पे और देखो ये जहाज बनाना पे हूँ भी अर्थक पाए मिलवे दे एडी झिकी जगह है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम किवें हाल चाल है ठीक फिट फाट है फिट किवें कल वाला टेस्ट फिट थी भाई टेस्ट फिट थी है क्या सूरत हाल है इतना तो साजो इतना बहुत अरसा है तो मतलब काफ़ी अरसा थी कर रहा है किवें सूरत हाल है इनकी ये झील बहुत पुरानी है गर्मी दी मौसम वैसे भी इतना रौनक होती है बिल्कुल क्योंकि गर्मी दी मौसम तो पता ही है इतों के मौसम का मौसम इतना बहुत ज़्यादा गर्म होता है वाल इतना बहुत लोग धावन वास्ते खूब लुत्फ अंदोज थे इतों हाँ क्यों ना क्योंकि ये तो बहुत प्यारी जगह मैं विवरण को दिखाई है उन्हें कुछ नजर आ देख के वाल इनकी खासियत है इनका पानी भी साफ है बिल्कुल पानी भी ठंडा होते लोग आने गर्मी के मौसम खूब लुत्फअंदोज थे तो इनकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है तकरीबन 50 फुट है इतना मच्छा भी आने एक साल पांच छह साल सब याद है असाई मच्छी पकड़ी है दसें दे पास है एक इतों मच्छी पकड़ी अस वी मच्छी है असो जिंदगी पहली बार दिठी उस तरह की मच्छी किवें वो तकरीबन अद्धे मन की मच्छी है पता नहीं ना भी है उनका कुछ बंद मुजाहिद सही है मुजाहिद यानी ये वाल पकड़ी किवें आवे ये जड़ी वड्डी जड़ा सेना पर
पकड़न दा हुंदा जेड़ा है ना तरीका वो बहुत खौफनाक है। अच्छा जी यानी कि जो पानी वड़दा हो से उको दा चाह चाह के मरंदी हो सी हो पानी उमले थोड़ा घट गया है। अच्छा इन दे नाल घट आई जी गर्मी गर्मी दा मौसम है पानी घट गया है। अच्छा बस ओ मच्छी ताई बहुत वड्डी। अच्छा ओ जेले असा ओ जाल घती है बस जाल को ही मेरे पार देता है। अच्छा ते वला जेड़ा भी बेच वड़दा है ना ओ को मरंदी है। अच्छा साइड वो मच्छी थोक डसेंदे पास है बहुत ज्यादा वड्डी है थोक पत्ता है इतनी वड्डी मच्छी तंग यूं मैं करना है वो बहुत वड्डी मैं वो जेड़ा बंदा भी ना लगदा है मरंदी है साइड वो बंदा वो बाहर ही आंदा है अंदर नहीं खड़दा इतनी सख्त सख्त तो सट मरंदी है यानी कि चाह के बाहर फुका छड़े जग मरंदी हो सी उंदा लहू काट छड़े दी हो सी जे वल उन्होंने सोचा है जेड़े बंदे हैं इवें तो काबू आँदी नहीं पल उन्होंने सोचा जाल भी खत्ती जाने जाल तो उ पाड़ दी है पल उन्हें सोचा कोई दूजा तरीका वल सिल्ला पी जान उन्होंने। अच्छा सिल्ला चाह के मारने शुरू कर दिते पल सिल्ला मारिया ने जख्मी किए जख्मी थी है तो वलू कुछ थोड़ा मट्ठी थी गई यानी कि काबू आ गई काबू आ गई यानी कि इयो कुछ है कहानी जी एक हफ्ते तक आवे विवार यानी कि होण ते ओ थिया खड़े पानी खड़े थिया ना जे पानी चलदा पियांदे ओले बहु ठड्डा पानी आंदे धावणा होवे तो तशरीफ गेलो अस हाजिर है पानी में चेक पानी चेक के ते बड़ा वीआईपी साफ सुथरा पानी है आला क्वालिटी दा निजाम है आवणे तो आवेनो होण किवें करंदे पए होण जुलदे हैं तैयारी करने घर दो दूजी दीवार है क्योंकि इतना आए वा दयास है तो घर थोड़ा कम करना है वो भी वांग करने तावास्ते अबू दी हूँ थोड़ी देर पहले कॉल आई भी आई हूँ जुलदे हैं घर इजाजत घिंदे हैं इन्हें को थोड़ी देर तक वाल जुलदे हैं एवीवार खूबसूरती देहात दी वी आई पी यानी कि इो देहात का मजा आता हम छां तो आए हैं बिल्कुल ही ठंडी यानी कि जिमें कूलर वाला पखा चलता पे ए सी चलता पे इवें ठंडी है हवा लगन लग गई है इो मजा आता देहात का तो शहर कल गए मुल्तान इतनी ज्यादा गर्मी है ना पूछो बस जेड़े हाल ना असा उतो निकले ना इं वजह तो उतो विलाग भी थोड़ा थोड़ा शार्ट बनाया से गर्मी बहुत ज़्यादा आई तो थकावट भी बहुत ज़्यादा थी गई तो क्या हाल है अजकल का दीदार ही नहीं जिम्मे कि तुम आया से इतना पंप से बेस मिला पंप से हम जुड़ते हैं घर आए पास मेन रोड से चल के जुड़ते हैं घर जो